हेलो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ वेज पुलाव। तो वेज पुलाव के लिए मैंने 10 मिनट के लिए चावल को पानी में मैं फूलने के रख दिया है। तो आपके लिए इसे बनाना शुरू करती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, तो पुलाव बनाने के लिए मैं नॉन स्टिक कुकर ली हूँ। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। डालने के बाद अब मैं इसमें जीरा ऐड डालूंगी। हरी मिर्च, और अब मैं इसमें कटे हुए प्याज मैं डाल दूंगी। प्याज तो ज़्यादा लाल नहीं करना है, हम लोग हल्का सा ये करेंगे प्याज को। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी, बासमती राइस। आज को ही इसको बनाना है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, नमक स्वाद अनुसार ही देना है। मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐसे ऐड कर दूँगी। मैंने 2.5 टप राइस लिया था, तो इसमें 4.5 टप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला ऐड करूंगी थोड़ा सा। मसाला पदर मसाला देने के बाद मैं एक सीटी लगाऊंगी इसे। 5 मिनट में ही रहेगा। एक सीटी के बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगी। चलिए, प्रेशर निकल चुका है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ पुलाव को। ये देखिए, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करता हूँ। Thank you.
सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।